प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे बद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोई ही। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों से सम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन धावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अदारा धावे शेष 88। उत्तर बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा दावे से 88। उत्तर बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दरों चरण पर सीसे। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बंदी जा मैं गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम।
गले प्रेम की चेवड़ी, जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो दे वो सोख। जय अब के सतगुरु मिले, जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर साई मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नाही। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिन के हरद न समाऊं। परम पिता परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्व उत्पादक प्रभु कबीर साहेब जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारे जनक हैं, यही हमारे सर्वम हैं। आज का जो शुभ समागम प्रारंभ हो रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है, ये जानकारी आप जी को देते हैं। इस शुभ समागम का प्रारंभ परमात्मा के यहाँ पृथ्वी पर प्रकट होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। ये आने वाली ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर यहाँ पृथ्वी पर हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए, हमारे मूल ठिकाने की जानकारी कराने के लिए आए थे। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ही आकर हमें ज्ञान दिया है कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति, आत्म कल्याण, शुभ कर्म करने के लिए ही प्राप्त होता है। इसका जो अन्य कर्म हम करते हैं वो अनिवार्य नहीं है इतने, क्योंकि वो तो हमारी मजबूरी है। जैसे पशु पक्षी भी विवश हैं अपने पेट भरने के लिए, सारा दिन ताक लगाए बैठे रहते हैं, बुगला सरोवर पर रहता है, मछलियों को खाता है, मछलियां भी अपने से छोटी मछलियों को खाती हैं, पशु पक्षी भी अपने आहार के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। ये तो हमारी मजबूरी है। एक जरूरी कार्य और है जिसका हमें ज्ञान नहीं था, और ज्ञान था तो एक औपचारिकता थी। परमेश्वर ने आकर के हमें दृढ़ता के साथ ये बात जनाई कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट जा, बहुर नहीं लगता डार। परमेश्वर ने हमें याद दिलाया
मानुष जन्म पाय कर नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो क्या काम। परमेश्वर ने कितनी गहरी बात कही कबीर भगवान ने, परमेश्वर कबीर साहिब जी ने, कि मनुष्य जीवन मानव शरीर आपका एक कूप जानो, और जिस कूप में जल नहीं तो उसका नाम भले ही कुआ है, उसमें गुण कुएं के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन पाकर के परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो नाम मनुष्य अवश्य है लेकिन गुण मनुष्य वाले नहीं है। उस परमेश्वर ने आकर हमें याद दिलाया कि यदि कोई श्रद्धालु किसी से प्रेरित होकर के साधना भक्ति कर भी रहा है और वो शास्त्र विरुद्ध कर रहा है, मनमुखी आचरण कर रहा है, तो भी उसका जीवन यूजलेस व्यर्थ है। पुण्यात्मा, इस दास का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ। हिंदू धर्म के अंदर प्रचलित जो हमारी भक्ति विधि साधनाएं थी उन पर हम आरूढ़ थे, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन्हीं साधनाओं को किया करते थे जो हमारे धर्मगुरु हमें बताते रहे हैं। और वो धर्मगुरु हमें ये भी कहते रहे कि हम तुम्हें जो ज्ञान दे रहे हैं ये सभी सदग्रंथों में प्रमाणित है, वहीं से हम आपको सुना रहे हैं। वो पहले संस्कृत का वाक्य बोलते हैं, फिर उसका अनुवाद करते हैं। तो मान लिया था कि हमारे जो धर्म के धर्म गुरु हैं ये बड़े विद्वान और संस्कृत भाषा के प्रकांड ज्ञाता हैं, इन्होंने हमारे सदग्रंथों को बहुत अच्छी तरह समझा है और ये जो हमें ज्ञान दे रहे हैं ये सही है, सदग्रंथों वाला ही है। और फिर इस परंपरा को चलते लगभग 2000 वर्ष से भी ऊपर हो गया, जो भी एक दूसरे से मिलते हैं उसी, हम एक समुदाय बन गया हमारा हिंदू, तो जो भी बोलता है वही बताता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजर अमर है, ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता नहीं है, स्वयंभू है, और मंदिर मूर्तियों की पूजा करना अनिवार्य है, सदग्रंथों में प्रमाण है। तो हम विद्यार्थी थे, हम तो एक डिवोटी थे, तो हमारे पूर्वजों को उन अज्ञानी धर्मगुरुओं पर अविश्वास नहीं हो पाया। अब जब परमात्मा ने हमारे ऊपर मेहर बख्शी कि तुम शिक्षित बनो, परमात्मा ने हमें शिक्षित बनाया, नहीं तो चौथा युग आ गया, ये शिक्षा आम समाज में नहीं थी, केवल एक ब्राह्मण वर्ग इस शिक्षा का अधिकारी था, केवल संस्कृत भाषा हमारे भारतवर्ष में थी। कुछ वर्षों उपरांत फिर ये अरबी भाषा उर्दू भाषा भी प्रवेश कर गई समय आने पर, लेकिन पवित्र हिंदू धर्म के अंदर जो भाषा यानी विद्या मानी जाती थी संस्कृत ही मानी जाती थी। तो संस्कृत के पढ़ने का केवल ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था, अन्य नहीं पढ़ सकता था, ऐसा प्रतिबंध था पहले। तो जिस कारण से हमने ये सोचा कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह सदग्रंथों को जाना है, जो इन्होंने ज्ञान दिया वो हमारे लिए मोक्ष का कारण है, मोक्षदायक। अब हमारे ऊपर मेहर बख्शी परमात्मा ने, हम शिक्षित कर दिए, और ये शिक्षा हमारे लिए हानिकारक भी है पूरे विश्व के लिए, और हमारे लिए एक विशेष परोपकार भी है शिक्षा का, ये वरदान भी बन गई अब हमारे लिए कि हम सदग्रंथों से परिचित होकर के भगवान को पहचान लेंगे स्वयं आँखों देखकर। ये शिक्षा हमारे ऊपर अभिशाप बन गई। अभिशाप क्यों बन गई?
क्योंकि हमने परमाणु बम बना लिए, जरा सी कोई बात उक चुक होगी, एक परमाणु बम छोड़ दिया तो लाखों व्यक्तियों को समाप्त कर देगा, उस क्षेत्र में वर्षों तक कुछ भी नहीं होगा। ये शिक्षा की देन है। दूसरे हम चतुर बना दिए, इतने कौवे बना दिए हम, बहन भाई से दूर, भाई भाई का झगड़ा, और हम अपलातून बन गए। बनना था हमने दास, हमारे पूर्वज देखो कितने शांतिपूर्वक रहा करते थे, दो रोटी भगवान देता, झोंपड़ियों में रहा करते थे, कच्चे पक्के मकान बना करके शांत रहते थे। उनका जो पिछला दास को ने तो बहुत देखा है, क्योंकि 61वां वर्ष चल रहा है, उससे पहले के जितने भी बुजुर्ग देखे कितना शांत स्वभाव होता था, निष्कपट होते थे, एक दूसरे के मदद के ऊपर तत्पर रहते थे, ऐसा दुराचार व्यभिचार नहीं था जो वर्तमान में आग लगी पड़ी है पूरे मानव समाज। तो ये शिक्षा का अभिशाप है हमारे, लेकिन ये अब वरदान बनेगी, परमात्मा ने इसका देना अनिवार्य समझा, इसलिए अब ये प्रदान की नहीं तो पहले 4 युग हो गए, हम ऐसे अपना काम चल रहा था, ठीक है, टाइम पास ही तो करना था इस संसार में। देखो गुरुजन होते हैं, गुरु का अर्थ यही होता है कि वो अपने सिलेबस को स्वयं जाने, फिर विद्यार्थियों को सरल करके समझावे, ये इन गुरुओं का काम होता है। तो हमारे धर्म गुरु ये नकली थे, ये अज्ञानी थे कलयुग के, इन्होंने हमारे सदग्रंथों को समझा नहीं, अपने सिलेबस से ये परिचित नहीं थे, जिस कारण से हम विभाजित होते चले गए, कहीं हिंदू बन गए, कहीं मुसलमान बन गए, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। और उसके बाद अब देखो कलयुग के इस थोड़े से ही समय में 100-150 वर्ष के अंदर ही कितने पंथ बना दिए, इनका कहीं नाम और निशान नहीं था। तो इस काल भगवान ने इन नकली गुरुओं के कारण, जो ना वेदों को समझ सके, ना पुराणों से परिचित, ना गीता से परिचित, इन्होंने लोक वेद सुना के हमें इतना कर्मकांड में फंसा दिया। आम व्यक्ति भी चिंतित हो गया, दुखी हो गया इनके कर्मकांड को करते करते। तो पुण्यात्माओं, इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए। ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हमारे मूल मालिक हैं, हम इनकी संतान हैं। अपनी संतान की चिंता माता पिता को ही हो सकती है, दूसरे ठीक है नेक आत्माएं हैं, थोड़ी बहुत देर हमदर्दी दिखा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली वो उनके साथ नहीं रह सकते। तो इसी प्रकार उस परमेश्वर ने हम पर रहम आया कि मेरे बच्चे बहुत दुखी हो गए, इन्होंने गलती तो की थी बड़ी भयंकर, फिर भी कहते हैं माता पिता बच्चों के सैकड़ों अवगुणों को भी माफ़ करने को तैयार रहता है यदि वो सुधर जाते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से परमात्मा यहाँ आते हैं कि हो सकता है इनकी बुद्धि ठिकाने आगी होई बे, और ये मान जा मेरी बात को और चल पड़े सतलोक को, जहाँ इनको कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई जन्म और मृत्यु नहीं। अब पुण्यात्मा इस काल भगवान ने ऐसा कमाल कर दिया, ये नकली पंथ चलवा दिए, सतलोक की महिमा गाने वाले और भक्ति बताने वाले, इनको सतलोक का पता नहीं, इनको उस परमात्मा की भक्ति विधि का ज्ञान नहीं, और करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करके शांत बैठा दिए, निश्चिंत कर दिए। क्योंकि एक परंपरा पड़ गई 100 वर्ष 150 वर्ष से, जो 50-60 वर्ष से कोई पंथ चल पड़ा तो उसके बच्चे तो अपने माता पिता के साथ बचपन से ही वहाँ जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जैसा भी उन्होंने ज्ञान दिया उसको ग्रहण कर लिया, नो ऑब्जेक्शन, जैसा कि हम हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण।
हम अपनी परंपरागत साधनाओं का माता पिता के साथ जहाँ भी मंदिरों में जाते, तीर्थों पर जाते, हम उन्हीं को फाइनल मान लिया था और संतुष्ट थे। तो ये इतनी जटिल समस्या कर दी इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने, गुरुओं ने, मंडलेश्वरों और इन आचार्यों ने, कि हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन ठीक है कौन गलत है। सब अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। कोई कहता है इन पांच नामों से मोक्ष है, कोई कहता हरे राम हरे कृष्ण से मोक्ष है, कोई कहता तीन नाम है, कोई पांच नाम बताता है ओंकार निरंकार ज्योति निरंजन ये सतनाम आदि, कोई अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष ये मंत्र दे रखे बच्चों के खिलौने। ये कहीं प्रमाण नहीं, किसी संत के इतिहास में नहीं जिन्होंने भगवान पाया हो, ना किसी ग्रंथ में, ना संत मते के इतिहास में। संत मता परमेश्वर कबीर साहब से चला और ये सब संत मानते हैं, पंथ मानते हैं कि कबीर साहब से पहले संत मता नहीं था। वो 600 वर्ष पहले से संत मता और ये 100 वर्ष पहले से चला हुआ अपना मन मता, मनमुखी साधनाएं कर रहे हैं ये लोग। तो इन सब का निवारण करने के लिए परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है। अभी जो जितने भी गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, आचार्य हैं, शंकराचार्य हैं या कोई और मंडलेश्वर महंत है, ये परमात्मा के बच्चे बहुत अच्छे बच्चों में से हैं, यानी पुण्य आत्माओं में से हैं। और ये धनी थे भक्ति के और ये काल भगवान के फंस गए। इस काल भगवान ने इनको अपने कब्जे में ले लिया, इनको इतना मिसगाइड और प्रभु बना दिया, इतना इनको मिसगाइड कर दिया, भ्रमित कर दिया, अज्ञान भरवा दिया और फिर इनका रिमोट अपने हाथ में रखता है। तो इन पुण्यात्माओं ने करोड़ों जीवों को अपने सदग्रंथों से हटकर लोक वेद सुना दिया। आप भी पाप के भागी बने भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का, इन्होंने बाहर सिर पर ले लिया। इनकी वो दुर्गति होगी आगे चलकर देख लेना पुण्यात्मा, आप तो अभी नहीं समझ पाओगे इस अध्यात्म ज्ञान को, क्योंकि दास इस मार्ग का मास्टर है, अच्छी तरह इस सदग्रंथों को समझा है, परमात्मा ने ज्ञान दिया है, दिव दृष्टि यानी दास का ज्ञान योग खोला है। आगे चल के इन नकली गुरु मंडलेश्वरों आचार्यों शंकराचार्यों की वह दुर्गति होगी, इनको नरक में ठोका जाएगा। क्योंकि परमात्मा के विधान को त्याग कर अपना मता चलाना, ये संविधान तोड़कर चलने वाली बात है। तो संविधान का उल्लंघन करने वाला वो पाप का भागी और दंड का अधिकारी होता है। पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है कि नौमन सूत उल जिया, ये ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुल जा दे, उल जाए ना दूजी बार। परमात्मा ने कबीर परमेश्वर जी कपड़ा बुना करते थे, सूत होता था एक रील धागे की, वो इतनी मोटी होया करती और वो धागा यदि उलझ जाता तो उसको सुलझाना बड़ा कठिन होता था। एक तो ये ध्यान रखना पड़ता था कि ये इसमें कोई कट ना हो जाए, कट लगने से फिर गांठ पड़ेगी, गांठ पड़ने से वो रेजा ठीक कपड़ा बने नहीं और फिर उसकी कीमत नहीं मिले, वो दिहाड़ी मिले नहीं। जिस कारण से जुलाहे बहुत सावधानी से उनको सुलझा करते थे, यदि 1 किलोग्राम सूत यानी 1 सेर सूत उलझ जाता तो 2-3 दिन लग जाते थे उसको सुलझाने में, तो उनकी 2-3 दिन की झाड़ी व्यर्थ जाती थी। और परमात्मा कहते हैं कि ये तो 9 मन सूत उलझा दिया, 1 मन में 40 सेर 40 किलोग्राम, कहते इतना सूत उड़ जा दिया। यो अध्यात्म मार्ग का 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे झकमार
और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी वो ही लीला करने आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की, एक सतगुरु की। पुणात्माओं, ये अध्यात्म मार्ग है, आप इस अध्यात्म मार्ग के विद्यार्थी हो, आप स्टूडेंट हो, ये दास टीचर है। और जिन टीचर्स के पास, जिन अध्यापकों के पास आप पढ़कर आए हो, वो अध्यापक नहीं थे, आपको कति अज्ञान से भर दिया। अब एक तो दया करना इस दास पे कि जो दास बोल रहा है उस बात को हृदय में समा लेना, समय बहुत थोड़ा है। परमात्मा कहते हैं कलयुग में जीवन थोड़ा है भाई, कर ले बेग संभार, यानी जल्दी संभल जा। और योग साधना या हठ योग और कान बंद करके कहते ये नहीं बने, केवल नाम आधार। आप जी ने जो ज्ञान सुना हुआ है वो बिल्कुल व्यर्थ है, उसको उससे आप रंगे हुए हो। तो अब दास चाहता है कि आपको ए बी सी से शुरू करेगा, क्योंकि एक सामूहिक एक शिक्षा स्थल है ये। इसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी आते हैं, प्रथम बार श्रोता भी आते हैं, और वो बच्चे भी, वो भी भक्त होते हैं जो बहुत दिनों से लगे हुए हैं। तो ये कैसा सत्संग किया जाता है जो सबके लिए सामूहिक असर करेगा। पहले वालों को भी ज्ञान बताया जाएगा और जो पुराने बच्चे हैं, भक्त हैं, बहन बेटी हैं, उनको भी इसी के माध्यम से संदेश दिया जाएगा परमेश्वर का। तो परमात्मा ने आकर के हमें क्या ज्ञान दिया, वो स्वयं आते हैं, एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं। अपने आत्माओं, हमारे पुरातन ग्रंथ हैं पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण और महाभारत आदि, ये सबसे पुरातन ग्रंथ हैं अपने मानव समाज के। उसके बाद फिर अलग से जैसे ईसाई धर्म ईसा जी के पद चिन्हों पर चलने वालों को ईसाई कहने लगे, उन लोगों ने इन ग्रंथों को नहीं जाना। जो भी संदेश उनको आकाशवाणी से या किसी फरिश्ते से प्राप्त हुआ उसी को सत्य मानकर उन्होंने आगे प्रचार प्रारंभ कर दिया। उनके आधार से फिर उनके अनुभव और आने वालों के अनुभव से एक पुस्तक बन गई, पवित्र पुस्तक, जैसे पवित्र बाइबल ग्रंथ कहा जाता है। और इसी प्रकार मुसलमान धर्म का जो ग्रंथ है कुरान शरीफ, ये भी हजरत मोहम्मद जी को, जो मुसलमान धर्म का प्रवर्तक माना जाता है, इनको जैसे कोई फरिश्ता आया, उसने ज्ञान सुनाया, आकाशवाणी हुई, या कुछ वे बोलते थे, वे आती हैं। वे कैसे आती हैं, जैसे कोई हजरत मोहम्मद कपड़ा ओढ़ कर लेट जाते थे और अंदर से फिर उसके शरीर से कोई आवाज़ आती थी, वो लिपिबद्ध की जाती थी, उसको वे बोलते। हम उसको कहते हैं जैसे काल भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता बोल गया, ऐसे ही कोई फरिश्ता उसमें प्रवेश करके इस कुरान शरीफ का ज्ञान देकर चला गया, उनको लिपिबद्ध किया गया। अब क्या हुआ कि हमारे जो पुरातन ग्रंथ थे वेद और गीता पुराण, ये संस्कृत भाषा में थे। संस्कृत भाषा को केवल एक ही वर्ग के पढ़ने का आदेश था, एक ही वर्ग इसको पढ़ सकता था, ब्राह्मण, जैसा कि आपको पहले बताया। तो वो इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं थे, संस्कृत अवश्य जानते थे, अच्छे ज्ञाता थे, व्याकरण भी अच्छी शुद्ध बोलते थे, उच्चारण पर ही ज़्यादा जोर देते थे,
शास्त्रार्थ उनके आपस में ही होता था, किसी ने अशुद्ध व्याकरण भी बोल दिया उसी पर ताड़ी पीट देते थे, उसको पराजित था और विजयी ऐसे ही किया जाता था। श्रोता जो होते थे वो अशिक्षित होते थे, जो संस्कृत भाषा जानते नहीं, और दो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान कहलाने वाले बैठ कर के आपस में अपनी संस्कृत में ही बोला करते थे शुद्ध उच्चारण के साथ। और जिसने अत्यधिक संस्कृत बोल दी, डांटा नहीं डटा, जिसने घनी गोट रखी हो तो श्रोता उसको विजयी कर देते थे ताड़ी पीट के, और वो विजयी सिद्ध हो जाता था चाहे वो किसा अज्ञानी हो। ऐसे ये एक दूसरे में मंडलेश्वर सिद्ध हो गए, और इनको कख नहीं पता था अध्यात्म मार्ग का। तो आज दयाकरी भगवान ने प्रथम तो ये रजा करी कि हमें शिक्षा दी जो कि ना देनी चाहिए थी वो भी देनी पड़ी हमारे को इस नरक से निकालने के लिए, भले ही हम एक बार। अब जैसे बाल्टी निकालनी होती है कुएं से पानी, तो रस्से के बांध कर उसको पटक कुएं में पटका जाता है, उसको डबोया जाता है पहले और फिर खींचा जाता है तो कुछ जल लेकर आए। तो ऐसे हमें परमात्मा ने इसमें डबोया इस शिक्षा के अंदर, और फिर इससे ये अनमोल रत्न निकाल कर हमारे सामने रख दिया। और अब हम किसी के दंत कथा पर विश्वास नहीं करेंगे, अपने सदग्रंथों को ही आधार मानकर साधना भक्ति करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, यानी मनमानी पूजाएं करते हैं जो सदग्रंथों में वर्णित नहीं है, तो वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त हो, न उनकी सिद्धि हो और न ही उनको कोई परम गति प्राप्त हो, अर्थात व्यर्थ। फिर 24 में श्लोक में कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए कौन सी ना करनी चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है, इसलिए तू शास्त्रों को आधार मानकर भक्ति करना, किसी के लोक वेद पर विश्वास मत करना। तो पुण्यात्मा हमारे को सारा ही लोक वेद सुना रखा था। अब लोक वेद किसे कहते हैं? परमेश्वर ने इस सत्य ज्ञान को हमें अजम कराने के लिए अपने ही ऊपर सब प्रमाण उदाहरण दिए। क्या बताया? पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दे दिया हाथ। क्या बताते हैं भगवान? जैसे ये दास पहले हनुमान पुजारी था, बाबा श्याम जी की पूजा करता था, भगवान श्री कृष्ण विष्णु एक विशेष इष्ट थे, विशेष श्रद्धा थी इनमें, और साथ साथ में भगवान शंकर, भगवान गणेश, माता गौरी, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, यानी जो भी देवता सुप्रसिद्ध से होते थे हम सभी की आड़ लेते थे, सभी की पूजा करते थे, सबको सबसे ही अर्ज किया करते थे, कोई सुख या दुख की झलक होती थी, और उनको करते करते भी हमें बहुत से सुख हुए। जैसे बच्चा पढ़ता है, शिक्षा में सफल हुआ, परीक्षा में सफल हुआ, तो अपने हनुमान जी की जय हो, बाबा श्याम जी की जय हो, भगवान कृष्ण ने बड़ी दया करी, ये तो संकट मोचन ही है हनुमान जी, तो भगवान कृष्ण जी ने ऐसे दया कर दी। तो बच्चों को, हम बच्चे थे जैसा भी, यही हमें बहुत था कि हमारे इन भगवानों ने हमें पास कर दिया, सफल किया। फिर सर्विस प्राप्त हुई, अपने इन्हीं भगवानों के शुक्र मनाए। फिर पुत्र पुत्रियां प्राप्त हुई, फिर इन भगवानों के शुक्र मनाए। और ऐसे सुख जो हो रहे थे, हम सोच रहे थे ये भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान हनुमान जी, श्री हनुमान जी और बाबा श्याम जी दे रहे हैं,
तो अब बच्चे समझदार हो गए हैं इस ज्ञान के, दास के तत्व ज्ञान से, तो अब बहुत से समझदार होकर के कुछ एक दूसरे से डिस्कस भी करते हैं। कहते हैं एक समय एक आपस में दो भक्त डिस्कस कर रहे थे कि भी किसकी पूजा करते हो। एक कहने लगा मैं बाबा हनुमान जी की, लाल लंगोटे वाले की। तो कहते हैं भाई सुन, एक भगत ऐसे ही हनुमान जी की पूजा कर रहा था, हनुमान जी प्रसन्न हुए, मांग भाई के मांगेगा, क्या मांगता है बच्चा मांगो। अब बच्चे ने के मांगना था, नो बोला जी बढ़िया सी पेंट कमीज दे दो। नो बोला भाई मैं लंगोट मरूं तेरे तो ही कहाँ ते लाऊंगा, मैं ही एक लंगोट में टाइम पास करता हूँ, आपके लिए कहाँ से लाऊं मैं। और हनुमान जी ने ये कहा था कि भाई राम की भक्ति करो, किसी और की नहीं। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही आप समझना ना, भगवान श्री राम ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे। न श्री कृष्ण जी ने कभी कहा मेरी भक्ति करो, वो स्वयं भगत थे, भक्ति करते थे। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हो भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी गुरु आग अधीन। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि सभी रामचंद्र को भजत हैं, जान मुक्ति को धाम। और रामचंद्र ने वशिष्ठ गुरु किया, अरुण को दिया उसने ओम नाम। अब कितनी गहरी बात कही है कि ये और तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति करें, अकियो मोक्ष करेगा। अपने मोक्ष के लिए श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु जी से दीक्षा ली, उसने उसको ओम नाम दिया कि इसका जाप कर तू, तो ये रामचंद्र जी आपको कैसे मोक्ष दे देगा। तो इस तरह के परमात्मा ने आकर के ये उदाहरण अनमोल ज्ञान सूक्ष्म वेद प्रदान किया। परमेश्वर ने जो अपने मुख कमल से ज्ञान कहा स्वयं आकर के, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको पांचवा वेद कहते हैं, उसको सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं। तो पुण्यात्माओं जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने कहा कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, ये दीपक दे दिया हाथ। अब अंधेरे में जा रहे थे, दिशा मिली नहीं, क्योंकि हम भक्ति के सफर के हम यात्री हैं, और हम जिस सफर भक्ति वाले सफर पर चल रहे थे, आगे चलकर हम जैसे भी साधनाएं कर रहे थे, आगे चलकर परमात्मा यानी सतगुरु मिल गए, उन्होंने हमें तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया। इस तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में हमें पता चला कि हमारी दिशा गलत है, और जिन भगवानों को हम अजरो अमर मानकर और मुक्ति का धाम मानकर, मोक्षदायक मानकर, संकट निवारण करने वाले मानकर हम इन पर आश्रित थे, वो हमारी आंखें खुल गई। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत एक छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ठीक उसी प्रकार उस परमात्म पूर्ण परमात्मा के गुणों से, उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवान देवताओं में ऐसी आस्था आपकी रह जाएगी। कैसे रहेगी कि जैसे एक छोटा सा तालाब होता है जलाशय, एक वर्ष वर्षा ना हो तो वह सूख जाता है, उस पर आश्रित प्राणी भी उसका संकट का सामना करते हैं और वहाँ पर तड़फ तड़फ कर मर जाते हैं। और एक इतना बड़ा सरोवर हो, इतनी बड़ी झील हो,
दस वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं हो, और वो मिल जाए उन प्राणियों को। एक बहुत पुराने समय की जब ये गीता बोलेगी उस समय पूरा ही मानव समाज इन सरोवरों पर आधारित था, तालाबों पर आधारित था, इतना गंद नहीं था जो अब है। घास फूस बहुत होता था, जलाशय बहुत बड़े बड़े होते थे, कुछ छोटे भी होते थे, तो आसपास वर्षा होती थी, जड़ी बूटियों पर वर्षा हुआ जल उसके अंदर आकर के मिल जाता था, और वो एक वर्ष तक, और बड़ी झील होती तो कई वर्षों तक वो खराब नहीं होता था। तो उसी में स्नान भी करते थे, उसी में उसी से पानी भी जल भी पीते थे, और छोटी मोटी कोई बगीचे वगैरह भी लगाते थे तो उसी से ही सिंचाई वो करते थे। तो ऐसे वो अपना निर्वाह करते थे, झोंपड़ियाँ डालकर उसके आसपास रहा करते थे। तो कहने का भाव ये है कि हमने जब ये तत्व ज्ञान हुआ और फिर आप जी के समक्ष ये डंडोरा पीट दिया, तो उस समय हम छोटे जलाशयों पर आश्रित थे। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ब्रह्मा जी की तो हम पूजा कराए नहीं करते, ये तो हमारे धर्मगुरुओं ने बता दिया था कि ये पूजा के योग्य नहीं है, इसकी पूजा बंद कर रखी है। दुर्गा जी ने, माई ने, माया ने, इसने शक्ति ने इसको श्राप दे दिया था, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। फिर ये दो भगवान शेष बचे, भगवान विष्णु और शंकर जी, इनकी पूजाएं हम करते थे। तो ये भगवान बुरे नहीं हैं, लेकिन ये हमारे लिए सुफिशेंट नहीं, पर्याप्त नहीं है। जैसे उस जलाशय का, छोटे जलाशय का जल, वो बुरा नहीं था लेकिन वो पर्याप्त नहीं था, उसमें कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था, वो स्वयं भी सूख जाता है और उसके आश्रित भी तड़प तड़प कर भुगत कर मर जाते हैं। तो इसलिए वो बुरे नहीं थे। और ऐसा कौन अनजान होगा जिसने बड़ी लेक, बड़ी लेक मिल जा और फिर जोड़ पर बैठा रहे उस तालाब पर, पता नहीं कब वर्षा ना हो तो समाप्त हो जाए, ऐसा अनजान कोई नहीं होगा। तो परमात्मा ने कहा है कि पीछे लाग्या जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे ये इस एक छोटे जलाशय को जिसमें एक वर्ष के बाद वर्षा ना होने से वो सूख जाए उसका जल, और उसको कोई ये बता रहा है कि ये तो 100 वर्ष भी नहीं सूखा है, ये कभी सूखता ही नहीं, ऐसी कोई व्याख्या कर रहा है तो कितना, या तो वो स्वार्थी है या कोई शराबी या कति महामूर्ख। एक वर्ष वर्षा ना हो उस सूखने वाले जलाशय को कोई ये कहे कि 100 वर्ष वर्षा ना हो तो बिना सूखते, ये तो ऐसा जलाशय है, तो ये इस तीन टाइप का व्यक्ति हो सकता है, या तो कति अज्ञानी, या कहीं कोई बांग पी रहा है, या कोई बकवादी है, स्वार्थी है कि यहीं पड़े रहे, तेरी दुकान चलती रहे। तो पुण्यात्मा, हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे साथ ऐसा कर रखा था, पवित्र हिंदू धर्म के इन आचार्यों और शंकराचार्यों ने और इन गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने। पुण्यात्मा, हम भक्ति मार्ग से दूर हो गए और आपस में हम इन ऐसे लड़ते रहे जैसे हिंदू और मुसलमानों का आपस में झगड़ा कराना इन हमारे धर्म गुरुओं का, दोनों धर्म गुरुओं का, हिंदुओं का और मुसलमानों का, कर्तव्य बन गया था। जरा सी कोई बात कह दे सच्चाई तो उसको मार दो, काट दो, हमारे धर्म की बेइज्जती कर दी, ये शिक्षा दे रखी हमारे तई, आपस में कट मरना, लड़ मरना, पहले बात को सुने, समझे, तय तक जावे जब फैसला ले। तो ऐसा हमारा इन्होंने अंडोला बना रखा था। तो अपने आत्मा थोड़ा समझना पड़ेगा, गहराई से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ ब्राह्मण शब्द का अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं है, ब्राह्मण वही है। जैसे अब परंपरागत तरीके से हम देखें तो पंडित यानी ब्राह्मण उसको कहते हैं जिसने किसी एक विषय में कोई उसका जो सफलता प्राप्त कर रखी हो उसको पंडित बोलते हैं। जैसे शास्त्री कहते हैं, पहले पंडित की उपाधि प्राप्त करने वाला एक विषय का आचार्य होता था, वो दो का भी हो सकता था, तीन विषयों पर भी वो पंडित हो सकता है। पंडित माने विद्वान व्यक्ति।
तो दास का जो सत्संग के वचन जो होंगे परमात्मा कबीर जी द्वारा बताए हुए, और केवल उन्हीं को असर करेंगे जो गुरु पद पर बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति मजहब के हैं, जो मिसगाइड कर रहे हैं परमात्मा के बच्चों को। तो उन गुरु कहो, उन्हें ब्राह्मण कहो, उन्हें पंडित कहो। हिंदू धर्म के गुरु जो थे ब्राह्मण कहलाते थे। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, यानी ब्राह्मण का अर्थ है जिसने भगवान को जान लिया, वो ब्राह्मण है। तो हम उन गुरुओं को ब्राह्मण कहो चाहे गुरु कहो, क्योंकि गुरु वही होता जिसने भगवान को अच्छी तरह समझा, जाना, सिलेबस को पढ़ा हमारे सदग्रंथों को। तो दास का उद्देश्य उन ब्राह्मणों से नहीं है, जैसे कोई वैद था और बहुत बड़ा अच्छा मास्टर था अपने जॉब का, नब्ज पकड़ता था, बीमारी जान लेता था, औषधि देता था, स्वस्थ हो जाते थे, तो इतना प्रसिद्ध हो गया। फिर उनकी एक दो पीढ़ी भी थोड़ा बहुत कार्य, एक दो बच्चा उस वैद्य के कार्य को करता रहा, तो उन सभी उनके वंशजों को, आने वाली पीढ़ियों के सभी बच्चों को ये कहने लगे ये वैद्य है, और वो भी फिर अपने आप को वैद्य कहने लगे, एक सरनेम सा बन गया। हालांकि वो आज भी विद्वान है ऐसे बच्चे जो वैद्य लिखते हैं अपना सरनेम, और वो जानते नहीं पेट के दर्द की दवाई औषधि, और वो भी वैद्य कहलाते हैं। तो यदि कोई डॉक्टर वैद्य और वैद्य की दवाई के विषय में ही बोलता है कि उस वैद्य की औषधि ठीक नहीं है, वो हानिकारक है, तो वो उन वैद्यों पर असर नहीं हो रही जो केवल परंपरागत वैद्य कहलाते हैं, लेकिन जो औषधि दे रहा है और अब भी वैद्य का काम कर रहा है उनसे संबंधित है ये बात। जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी ये इस परंपरागत वैद्य की तरह ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन वो कभी अपने आप को पंडित ब्राह्मण नहीं कहते थे। कहता मेरा जन्म ब्राह्मण वर्ण में है, लेकिन मैं पंडित नहीं, ब्राह्मण नहीं हूँ। जैसे कोई वैद्य की दृष्टांत से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कोई व्यक्ति डॉक्टर की कोई भी औषधि नहीं जानता है, और दो चार गोली याद कर ली टेबलेट के नाम, तो वैद्य नहीं बन जाता वो। तो उसने कोई कहा वैद्य जी आप वैद्य हैं, कहाँ जी, तो मुझे कुछ दवाई दे दो, वो कहेगा नहीं मैं वो वैद्य को नहीं जैसा तू समझ रहा है। तो यही बात हमारे पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे कि मैं वो ब्राह्मण ना हूँ जैसा तुम जब समझते हो, मैं संत हूँ। और मेरे दादा गुरु जी थे वो जाट जाति में जन्मे थे, गांव छावला दिल्ली के अंदर, नजफगढ़ के पास एक गांव है छावला, वहाँ के जाट थे। और हमारे परदादा गुरु जी गरीबदास जी के पंथ के संत थे, और वो 16 वर्ष की आयु में ही गांव से बाहर का बार खेतों से ही उसकी बातों से प्रभावित होकर उसके साथ चला गया था, घर से दुखी थे। तो इतना अच्छा माइंड था उनका, हमारे परदादा गुरुजी ने सोचा कि ये बालक बहुत अच्छे माइंड रखता है, इसको क्यों ना काशी विद्यापीठ से पढ़ा दूँ, और ये सदग्रंथों को जान के अच्छी तरह समझा दिया करेगा। तो उन्होंने जैसे तैसे उसको काशी विद्यापीठ में प्रवेश दिला दिया। वहाँ से वो 4 विषय के आचार्य बन गए, अव्वल आवे प्रत्येक क्लास में। तो वो पंडित चिदानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए, जाट होते भी वो ब्राह्मण पंडित कहलाए। और उनका आश्रम बना हुआ है गांव गोपालपुर, तहसील खरकोदा, जिला सोनीपत में, वहाँ आश्रम पर लिखा है पूज्य पंडित चिदानंद जी आश्रम। तो पहले तो पुण्यात्माओं दास के इन संकेतों को समझना, कदे कोई पंडित जी बिदक जा और सत्संग भी ना सुने, कर्म फोड़ लिया अपने। तो दास का उद्देश्य उन पंडितों के लिए नहीं है जो केवल परंपरागत ब्राह्मण कहलाते हैं, वो नहीं।
तो ये जो ब्राह्मण थे हमारे धर्म गुरु जैसे, तो ये इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं, एक लोक वेद शुरू कर दिया। वो कहाँ से शुरू हुआ लोक वेद? आदि शंकराचार्य जी हुए हैं, ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व, यानी आज सन 2012 से ये समझ लो 2520 वर्ष पूर्व। और वो 32 वर्ष तक केवल इस संसार में रहे। वो स्पेशल भेज रखे थे किसने? भगवान शिव ने, शिव के लोक थे, उनका एक गण था, अच्छी आत्मा थी वहाँ की। उस समय उनका यहाँ आगमन हमारे लिए एक वरदान भी सिद्ध हुआ, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा था। और महात्मा बुद्ध कौन थे? ये विष्णु जी के लोक से आई हुई, स्वर्ग से अपना स्वर्ग समय पूरा करके आई हुई पुण्यात्मा थी। और जो स्वर्ग से सीधा मानव शरीर में आता उसका यहाँ दिल नहीं लगता कई दिन तक। तो उन्होंने राज भी त्याग दिया, परमात्मा उस सुख की तलाश में, जैसा भी पता लगा कि भगवान दे सकता है सुख, उसके लिए उसने मनमाना आचरण शुरू किया, हठ योग किया, कई दिन तक अभ्यास रस्त रहे, ना कुछ जलपान किया। गया के अंदर बिहार में, बिहार प्रांत में गया शहर है, उसके बाहर एक वट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के कई दिन तक देखा, किसी ने कुछ खा पी नहीं रहा, पंजर सूख गया, सांस आना भी बंद हो गया, धीरे धीरे चल रहा। एक माई ने देखा ये मरेगा महात्मा, उसके मुंह के धीरे धीरे चम्मच से थोड़ी थोड़ी खीर लगानी शुरू कर दी, उसने चाटनी शुरू कर दी। तीसरे दिन उसने कुछ दो चार चम्मच खा ली तो वो धीरे धीरे शरीर फिर ठीक होने लगा। तो उठकर चल पड़ा और अपना विधान, अपना सिद्धांत, जैसा भी उसने उसकी बुद्धि ने काम किया, उठकर कहा कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोलवेशन, भूखा मरने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। फिर ये पुण्यात्मा थे, पिछले संस्कार अच्छे होते हैं, वो गुरुपद पर प्राप्त होते हैं और कुछ चले जाते हैं राजनेता राजनीति के अंदर, उनकी शब्द में भी शक्ति होती है, उनके संस्कारवश सभी उनको उपलब्धियां होनी ही होनी होती हैं। और वो सोच रहे होते हैं तुम जो कर रहे हो इससे हो रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने जो भी परमात्मा का विधान बताया, उस समय की पुण्यात्माओं ने उनको बड़े चाव से सुना, ग्रहण किया, क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है। जिसको कहीं भी पता लगता है कि वहाँ भगवान मिलेगा, वहीं दौड़ लेती है, क्योंकि ये प्यासी है उस भगवान की, उस सुख की खोज कर रही है जो जिसको ये छोड़ कर यहाँ आ गए हैं। इसलिए उस महात्मा बुद्ध के साथ बहुत बहुसंख्या के अंदर ये भोली आत्मा चिपक गई। अब महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए भक्ति विधि से परमात्मा की ओर से कोई राहत किसी को नहीं मिली, क्योंकि वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था, उससे कुछ होना ही नहीं था। और उससे पहले जिस समय महात्मा बुद्ध ने ये पंथ चलाया, अपना मार्ग चलाया, तो उस समय श्रद्धालु लोग, अच्छी आत्माएं, अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनको स्वाभाविक लाभ अपने पुण्यों से ही हो रहा होता, अपने प्रारब्ध से ही। जैसे आपको बता रहा था ये दास के, हमें जो भी कोई सुख होता था हम ये सोचा करते जो ये साधना कर रहे, हरे कृष्ण सीता राम राधे श्याम राधे राधे श्याम मिला दे, या श्याम जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, शेरावाली के वहाँ वैष्णो देवी जाना, हम सोचा करते इन साधनाओं से लाभ हो रहा है। अब पता चला ये तो कोई साधना ही नहीं थी, भक्ति है ही नहीं, ये तो यूजलेस है, ये तो मनमाना आचरण था हमारा। तो वो भोले श्रद्धालु पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, सभी को जो उनके अनुयायी हुए उनको स्वयं स्वाभाविक संस्कार व सुख होता रहा,
और वो सोचते रहे इन्हीं तो साधना इन्होंने बताई ये सही है। आने वाले समय में भक्तिहीन प्राणी आते रहे उनके घरों में, उन्हीं साधनाओं से उनकी दुर्गतियां शुरू हो गई, कोई ये धात्म लाभ हुआ नहीं। तो सब ने ये मान लिया अब लास्ट में बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने कि भगवान है नहीं, भगवान से कोई लाभ की इच्छा करना मूर्खता है, और वो कम्युनिस्ट मीन नास्तिक हो गए, पूरा चीन कम्युनिस्ट हो गया, जो पूरे विश्व की लगभग आधी नहीं तो उससे कुछ कम आबादी वाले मानव हैं। तो पुण्यात्माओं उस समय इस बौद्ध धर्म का बहुत शीघ्रता से प्रसार हो रहा था, और उनके जो वो संत थे वो जगह जगह जाकर के धर्म परिवर्तन यानी अपना मार्ग प्रदर्शन कर रहे थे, भोली आत्मा ग्रहण कर रही थी। उस समय शंकराचार्य जी का जन्म यानी आना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ, लेकिन बात वही रही, आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए।